हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आरती भाटिया। मैं आज आपको बताने वाली हूं पाइसन्स के लिए ये मंथ जनवरी 2019 कैसे जाने वाला है। साथ ही साथ मैं आप सबको बहुत 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 मुबारकें देना चाहती हूं और बहुत बेस्ट विशेस भी हैं। आज 1 जनवरी 2019 है, सभी के लिए ये जो ईयर है वो बहुत मंगलमय जाए, सभी के जीवन में खुशी हो, सभी अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें और जो भी वो एस्पायर करते हैं या करना चाहते हैं या जो उनका एम है वो उनको ज़रूर प्राप्त हो, ऐसी ही विश के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि पाइसेंस के लिए जो सैटर्न है वो उनका केंद्र भाव में है और केंद्र में यानी कि 10वें भाव में है और उनके वर्क के ऊपर बैठे हुए हैं, तो जो स्पीड है वो हो सकता है कि थोड़ी स्लो हो उनकी ग्रोथ की। मिड ऑफ द मंथ के बाद सूर्य बहुत अच्छी जगह पर जा रहे हैं यानी कि हाउस ऑफ गेंस में जा रहे हैं। राहु एग्जैक्टली 5th हाउस में बैठे हुए हैं और जो 2 मंथ्स के बाद चेंज होंगे 6 मार्च के बाद मंगल केंद्र में बैठे हैं। कुछ गुस्सा ज़्यादा आ सकता है इस कुछ टाइम के लिए, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ इनको लेकर, गुरु और वीनस को लेकर, क्योंकि दोनों इकट्ठे हो रहे हैं और गुरु की जो दृष्टि है हालांकि सेल्फ पर पड़ रही है, मंगल पर भी पड़ रही है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो गुरु कंट्रोल कर लेंगे और गुरु और वीनस जो है आगे प्रोग्रेस में हेल्प करेंगे, पर एक दूसरे के साथ रह के कभी कभी जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा कम कर देते हैं। फिर भी आपके लिए अमाउंट ऑफ टेंशन इस मंथ बहुत कम जाने वाली हैं। आपके लिए सन है फ्रेंड्स, प्रॉस्पैरिटी, प्रोग्रेस, प्रमोशंस जो बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ आपके लिए स्टार है, आपके गाइडिंग एंजल्स आपको गाइड करेंगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, किसी लेडी को लेकर कुछ परेशानी बनी रह सकती है। पार्टनरशिप में बहुत ध्यान दीजिए क्योंकि गुस्सा आ सकता है मंगल की वजह से, कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से स्लीपलेस नाइट्स भी आएंगी। पार्टनरशिप सिर्फ प्यार की भी हो सकती है, तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा बच के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि आपके दिल की सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं और होंगी ज़रूर। मिड ऑफ द इस पूरे मंथ में एक बात और है कि बहुत सारे ग्रहण हैं, उन सारे ग्रहण की वजह से बहुत ज़्यादा प्लैनेटरी जो चीज़ें हैं वो हिल रही हैं। उन प्लैनेटरी चेंजेस में आपको ध्यान रखना है। कोई रेमेडीज भी मैं बताऊंगी तो आप ज़रूर करते रहना। रेजोल्यूशन का मैंने एक वीडियो बनाया है जो आप ज़रूर देखना फ्रेंड्स। उसमें जो 3 रेजोल्यूशंस मैंने दी हैं वो अपने ईयर के लिए अगर आप करेंगे फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, जितना हो सके उसे बांटे ताकि आपको फ़ायदा हो। हेरोफिंट कहता है कि ट्रिनिटी ऑफ गॉड आपके साथ है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। कुछ मेल डोमिनेंस हो सकती है क्योंकि मंगल है, देखिए मंगल केंद्र में है, कहीं ना कहीं तो डोमिनेंस दिखाएगा और 4th दृष्टि से कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेकर भी कुछ इश्यूज निकल के आ सकते हैं, तो जरूर ध्यान रखिएगा। और पार्टनर्स में कहीं अनबन की थोड़े से चांसेस हैं, इसके अलावा कुछ भी बहुत बुरा नहीं है पाइसेंस के लिए। सैटर्न की वजह से ग्रोथ का जो एक्सपोजर है या ग्रोथ का जो स्फेयर है वो बहुत स्लो चल रहा है, जो हमें अभी 1 साल और हमें इसी तरह का फीलिंग आएगी क्योंकि 1 साल और सैटर्न ने ग्रोथ की जगह पर बैठना है और राहु जब चेंज लेगा तो उसके बाद इम्पैक्ट जो है चीज़ों का कुछ ना कुछ ज़रूर बदलेगा, जो कि 6 मार्च 2019 को है। तब तक के लिए फ्रेंड्स ये जो मंथ है वो आप इंजॉय कीजिए। मैं साथ के साथ सारे एक्लिप्सिस के बारे में बताती रहूँगी, रेमेडीज भी बताती रहूँगी। आप मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।